हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम को 5 बजे आपकी एक यूपी टेट की संस्कृत की क्लास होती है और शाम को 6 बजे आपकी क्लास होती है सी टेट के लिए संस्कृत की, क्योंकि सी टेट के संस्कृत जो है वो काफ़ी अलग होती है इन कंपैरिजन टू यूपी टेट एंड सुपर टेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही लिमिटेड है आपके पास। मैंने आपको ये पहले ही एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह से हमें पढ़ना है, क्या क्या हम रेफरेंस ले सकते हैं और साथ में क्वेश्चन की लिमिटेशन कितनी ज़्यादा है और उन्हीं क्वेश्चन में हमें प्रैक्टिस करना है, समझना है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप भाषा शिक्षण एक बार अच्छे से उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए। मैंने भी पढ़ाई है, प्लेलिस्ट में जो है लैंग्वेज पैडागॉजी वाली प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल होंगे। बट लास्ट लास्ट में कोशिश करूँगी कि अगर जैसा ही कंप्लीट होता है तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँ पॉइंट वाइज। और बाकी आप अगर आपके पास कोई बुक है संस्कृत शिक्षण की तो आप पढ़ सकते हैं, हालांकि उसमें रहेगा वो हिंदी से ही, संस्कृत टू संस्कृत किसी में नहीं रहेगा। आपको खुद से ही उसको संस्कृत में समझना होगा एग्जाम में। फिलहाल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का सेशन। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से देख लीजिए। लेखा लघु वर्तते चेत तृतीय पुरुषे पूर्णयतु विना अप्रस्तुत वाचा अध्वन्यात्मक रीयता तथा अतार्किक रीत्या पूर्णयतु। अब यहाँ पे आपको देखना है ऑप्शंस। सो पहले हमेशा मैंने बताया है क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। लेखा मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ लेख से रिलेटेड बातें हो रही है। लघु मतलब होता है छोटा, तो छोटे लेख से रिलेटेड आई थिंक बात हो रही है। तृतीय पुरुषे पूर्णयतु विना, यानी कि छोटे लेख में जो भी इंक्लूडेड होता है विद्यमान, तीसरा पुरुष के बिना या कोई भी थर्ड पर्सन के बिना पूर्ण करना, ठीक है, एक बात हो गई। अप्रस्तुत वाची होना, साथ में यहाँ पे अध्यवन्यात्मक रीति तथा अतार्किक रीति का प्रयोग करना किस में किया जाता है, कौन किस टाइप के लेख में, बस आपको इतना सा यहाँ पे बताना है। थर्ड पर्सन का जो है उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई भी यू नो लॉजिक नहीं होता है। यस, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवेदनम। बिल्कुल, जितने भी लोगों ने ये गेस किया था सबको वेरी गुड, सबका सही है। लेखन समय, यानी कि अब इसको ब्रेक करिए, लेखन समय, तो लेखन समय और एक ही मात्रा है तो में हो गया। लेखन समय में संलग्नशील क्रम मेक कम, ओके समझिए इसको। लेखन समय में संलग्नशील क्रम में एक क्या होता चाहिए, क्या होता है, उपसर्ग होता है, उक्ति होता है, उपवृत्तम होता है, विशेषणम होता है। संलग्नशील क्रम की अगर हम बात करें तो ये इसका मतलब ये हो जाता है कि साथ में जो भी कुछ एक कोई शब्द प्रयोग हो रहा है, चाहे वो अब कुछ भी हो सकता है, अभी मैं नहीं बताऊंगी ना, आप आंसर गेस कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, एक चीज़ होती है उसी के अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ जो दूसरा जो वर्ड होता है वो चेंज होता है, उसका रूप, उसका लिंग, उसका वचन चेंज होता है। तो उस पर्टिकुलर जो चेंज होता है किसी दूसरे के बेस पे वो संलग्नशील कहलाएगा यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, विशेषण होता है, ठीक है। संलग्नशील कर्म में एक विशेषण होता है जो कि संस्कृत में जो भी विशेष रहता है इस वाक्य में, लेखन कार्य करते वक्त जो हम लिखते हैं उसमें विशेष जो रहता है उसके लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार विशेषण का भी रूप बदलता है। जिस लिंग में और वचन और काल में या विभक्ति में विशेषण हो, सॉरी विशेष होगा, उसी में विशेषण भी हो जाता है हमेशा। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न इसी के साथ। नटा नाम सूक्त समूह वाचक पदम, बहुत आसान है, समझिए इसको थोड़ा सा। प्रश्न को पहले अपने से अलग अलग कर लीजिए, समूह वाचक है और ये पद यानी शब्द होता है। नाटक की बात हो रही है यहाँ पे, तो नाटक में सूक्त समूहवाचक पद जो है उसको कुल मिला के पात्र कहा जाता है। कुल मिला के जो नाटक में जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, सबको एक रूप में अगर एक शब्द में क्या कहा जाएगा तो कैरेक्टर्स कहा जाएगा, पात्र कहा जाता है, नाटक का पात्र, ठीक। सूर्य ग्रहणम कदा भविष्यति अयम प्रश्न, फटाफट से देख लीजिए। सूर्य ग्रहणम कदा भविष्यति, यानी बाकी ये एक प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको ये बताने कि ये प्रश्न है क्या, किस काल में है, अनुवर्तनशील वर्तमान कालीय में है, भूतकालीय है, वर्तमान कालीय है या भविष्यत कालीय है।
बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ये जो रूप बनता है जब लकार पढ़ा रहे थे, धातु रूप पढ़ा रहे थे अलग अलग लकार में, तो वहाँ पे बताया हुआ था कि बड़ी अच्छी पहचान है, जैसे भविष्य में ईश लगा होता है वैसे भविष्य काल का कोई भी रूप धातु रूप बनेगा तो उसमें ऐसे ईश लगा रहेगा। तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जो पूरा वाक्य है वो भविष्य काल में है, इसका तात्पर्य कि सूर्य ग्रहण कब होगा, यानी भविष्य में कब होगा ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005, जो कि मैंने दो तीन वीडियो में अच्छे से पढ़ा रखा है ऑलरेडी, देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है, शिक्षण बाल विकास एवं मनोविज्ञान वाली प्लेलिस्ट में। अब इसमें पूछा है प्रबोधानुसारम, अगर इसको नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब तो लिखा है इंग्लिश से, रिकमेंडेशंस विद्यालयेषु पठन लेखने विशेषम अवधानम नावश्यकम, ध्यान रखिएगा आवश्यक नहीं नावश्यक, निगेटिव हो गया है, जो आवश्यक ना हो, विशेषतया कस्याम भाषायाम। कुल मिला के क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि एनसीएफ 2005 का ये जो रिकमेंडेशन नंबर ये है, इसके हिसाब से कि विद्यालय के लेख पठन लेखन में कौन सी किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, कौन सी भाषा की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अन्य विदेशीय भाषाशु, यानी कि कोई भी दूसरी अन्य विदेशी भाषा की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश और जो मातृभाषा हो उस जगह की और हिंदी यही पर्याप्त है। एतयोः द्वंद्वयोः कः युग्मः संज्ञानात्मक स्वरूपं प्रदर्शयति। तो यहाँ पे जो देख लेते हैं क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एतयो द्वंद्वयो, यानी कि कौन से ये जो सब में से दो दो लिखे हैं ना, इनमें से कौन से युग्म, दोनों युग्म में संपूर्णता, ठीक है, संपूर्णता तथा विश्लेषणात्मकता का स्वरूप संज्ञानात्मक स्वरूप का प्रदर्शन हुआ है, संज्ञानात्मक प्रदर्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द है वो यही है, संपूर्ण और विशेषणात्मक, इसी में संज्ञानात्मक का हुआ है संपूर्ण प्रदर्शन। आ रहा है समझ में? बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पठन समय विसंज्ञाया यानी डिकोडिंग अर्थ, पढ़ते वक्त डिकोडिंग का क्या मतलब है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम, बताइए सभी लोग जितने भी लोग पुराने व्यूवर्स हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्लिष्ट समस्या समाधानम कर्तुम, ठीक है। डिकोडिंग का मतलब ये हो जाता है कि प्रत्येक शब्द का अलग अलग ज्ञान प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करके आगमन विधि के द्वारा एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचना, यानी कि उस शब्द को डिकोड करके समझ के समझना, ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भवान पृच्छतु अस्माकं लक्ष्यं किम्, ओके, अहम एकेन पदेन उत्तरं वदान् विजयः, एतादृशः प्रश्नः व्हाट। क्वेश्चन को समझने के लिए कोशिश करिए, भवान मतलब होता है आप, ठीक है, इसका मतलब है कि आपने पूछा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो मैंने एक पद में, एक पदेन, एक पद में उत्तर दिया, क्या दिया, विजय, हमारा जो लक्ष्य है वो विजय है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर हम ऐसे एक शब्द में दे सकते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐसे प्रश्नों को सहज प्रश्न कहा जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक सहयात्रिक गवाक्ष समीपे आसीन, भवान गवाक्षम पिहितुम इच्छति, भवान तम कथा अनुरोधम करोति, फटाफट से देख लीजिए। यस, जितने लोग भी क्वेश्चन खुद से समझने की कोशिश कर रहे हैं डेफिनेटली उनको हेल्प, मतलब आगे चल के ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या होता है, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही, भवताम गवाक्षम पिहितुम शक्यते वा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि एक सहयात्री
गवा शमी, गवा शमी मतलब गवाक्ष मतलब से हो जाती है खिड़की, ओके विंडो। तो खिड़की के पास बैठा था आसीना, मतलब पास्ट टेंस में है, बैठा था। आपकी इच्छा खिड़की को बंद करने की होती है, खिड़की बंद करना है, तो आप उससे कैसे अनुरोध करेंगे, कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? तो उसका जो सबसे शुद्ध वाक्य जो आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पोलाइट भी है, वो हो जाएगा भवताम गवाक्षम पेहतुम शक्यते वा। जैसे कि हम इंग्लिश में कोई चीज़ पूछते हैं ना, पोलाइटली पूछते हैं, तो बस वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे संस्कृत से है। तो पहली बात तो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ऑर्डर ऑर्डर नहीं देंगे, हम बस पूछेंगे उनसे, है ना, कि क्या आप थोड़ी सी खिड़की बंद कर देंगे इस टाइप से। तो पहली बात तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो ये एक बहुत बड़ा हिंट था इसके आंसर के लिए, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि डायरेक्ट नहीं पूछने बोलना है या पूछना है, थोड़ा सा पोलाइटनेस के साथ में। तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संभाषण मिदम पठतु अत्र अध्यापकः अध्यापकः अथवा भवान कथा पुस्तकमेकं पठितुमिच्छति शिष्यः। आम अध्यापक, आम कृपया। एक यहाँ पे संवाद दिया हुआ है, इसको देखिए। अध्यापक क्या बोल, भवान कथाम पुस्तकमेकं पठितुम इच्छति। शिष्य बोलता है आम, आम मीन्स यस, हाँ, आम कृपया, ओके प्लीज। ऑप्शंस देखिए क्या रिलेट आप कर पा रहे हैं। लाइक करिएगा वीडियो को प्लीज, सभी लोग। प्रैक्टिस आपकी करा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं कि हम क्वेश्चन पढ़ते जाएं आंसर बताते जाएं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस करेगी आप कितना कर पा रहे हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पठनारंभम कर्तुम विनयेन सूचयति। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है कि अध्यापक क्या बोलता है, अध्यापक कहता है क्या आपको पुस्तक की कथा पढ़ने की इच्छा होती है, आप पढ़ना चाहते हो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो। कुल मिला के ये बात, इच्छा होती है इन द सेंस कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो, बुक पढ़ना चाहोगे ऐसा। तो शिष्य कहता है हाँ, ठीक है। तो अध्यापक कहता है कि ठीक है पढ़ो, और वो भी आम कृपया, कृपया शब्द ला के नहीं, पोलाइटनेस के साथ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो तब वो जब पढ़ना आरंभ करता है, तो कुल मिला के ये उनकी विनम्रता को सूचित करता है कि पठन को पढ़ाने के लिए, उसका स्टार्ट करने के लिए किस तरह से विनम्रता के साथ में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये जो पूरा संवाद है वो इसको सूचित करता है। सो ये आज के क्वेश्चन थे, एंड आई जस्ट होप यू लाइक। इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।